नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके ही अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए एक ही वीडियो में आगे लेकर के आए हैं दोस्तों। एक एक करके सभी मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। गोवा में दल बदलुओं का हुआ है जबरदस्त विरोध, लोगों ने सोशल मीडिया पर भी उड़ाया है मजाक। बड़ी खबर आ रही है, दल बदल की राजनीति से नाखुश गोवा में समाज के विभिन्न वर्गों ने हाल ही में पाला बदलने वाले कांग्रेस के 8 विधायकों के खिलाफ अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोग इन नेताओं के घरों के सामने प्रदर्शन कर और सामाजिक मुद्दों पर उनका सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा करके विरोध जता रहे हैं। आप लोगों को बताते चलें, लोगों के द्वारा लगातार भाजपा में शामिल हुए 8 विधायकों का मजाक उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर विभिन्न कार्टून और कई तरह के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं और इन नेताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। और वहीं इन नेताओं के घरों के सामने भी कांग्रेस के समर्थकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही उनका पुतला फूंका जा रहा है। इसके साथ ही बताते चलें, कांग्रेस के नेता रियातो फर्नांडिस ने कहा है कि हमारी मांग सीधी सी है, मतदाताओं के द्वारा डाले गए वोटों को ये लोग वापस दें और विधायक पद से इस्तीफा दें, क्योंकि ये लोग बीजेपी के टिकट पर नहीं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था लेकिन अब इन लोगों ने पाला बदल लिया है, जनता के साथ सीधे तौर पर धोखा है। और इसके साथ ही कांग्रेस नेता का आगे कहना है कि ये लोग इस्तीफा दें तब ये सभी दल बदलू बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। ये यहां पर गोवा से खबर सामने निकल के आई है। अगली अपडेट बताते चले आप लोगों को, सुप्रीम कोर्ट की सरकार को कड़ी फटकार, कहा मीडिया में हेट स्पीच पर सरकार मूक दर्शक आखिर क्यों है। खबर बताते चलें, मीडिया में हेट स्पीच यानी कि नफरती भाषा पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारा देश किस दिशा में आखिर जा रहा है। खबर के मुताबिक हेट स्पीच के खिलाफ एक मजबूत रेगुलेटरी मैकेनिज्म की जरूरत पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा, जब यह सब हो रहा है तो वहां एक मूक दर्शक के रूप में क्यों खड़ी है। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के एम जोसेफ और ऋषिकेश रॉय की बेंच ने इस पूरे मामले में 11 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है। इन याचिकाओं में नफरती भाषा को कंट्रोल करने के निर्देश देने की मांग की गई है। इनमें सुदर्शन न्यूज़ टीवी के द्वारा प्रसारित यूपीएससी जिहाद शो, धर्म संसद की बैठकों में दिए गए भाषण के अलावा सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे नफरती संदेशों के रेगुलेशन की मांग की गई है। जिस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में आ चुका है नया मोड़, दिग्विजय सिंह भी मैदान में, आज सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 19 अक्टूबर को होने वाला है जबकि नामांकन 30 सितंबर को होगा। अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से राहुल गांधी पहले ही लगभग मना कर चुके हैं और वहीं माना जा रहा है कि इस पद के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे फिट बैठ रहे हैं और वह चुनाव लड़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आई है, सूत्रों की माने तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी नॉमिनेशन कर सकते हैं। इस सिलसिले में आज वह अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूरे मामले को लेकर के बातचीत करेंगे और मुलाकात करेंगे। दरअसल दोस्तों, सोनिया गांधी पहले ही कह चुकी हैं कि अध्यक्ष पद का चुनाव कोई भी लड़ सकता है। ये यहां पर दिग्विजय सिंह दिल्ली कूच करने की तैयारी कर चुके हैं और वह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और अध्यक्ष पद के चुनाव में दिग्विजय सिंह की भी एंट्री हो सकती है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, चुनाव आयोग को दिए गए ब्यौरे में हुआ है बड़ा खुलासा, 2022 में हुए यूपी पंजाब गोवा समेत 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा ने खर्च किए हैं 344 करोड़ से भी अधिक रुपए, सबसे ज्यादा खर्च किए हैं यूपी में। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने साल हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के चुनाव में 344 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का खर्चा किया है, जबकि 5 साल पहले इन्हीं राज्यों में हुए चुनावों में बीजेपी ने 218 करोड़ रुपए लगभग खर्च किए थे। और वहीं कांग्रेस ने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में 194 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।
आंकड़ों से पता चलता है कि 5 राज्यों में भाजपा ने 344 करोड़ में से सबसे अधिक 221 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा यूपी में खर्च किए हैं, जहां पर पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में लौटी है। ये यहां पर चुनाव आयोग के दिए गए रिकॉर्ड में बड़ा खुलासा दोस्तों हुआ है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट दोनों को ही लगा है बड़ा झटका। बीएमसी ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की मंजूरी से किया है साफ इनकार। मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में दशहरा रैली को लेकर के उद्धव ठाकरे गुट के अलावा एकनाथ शिंदे को भी बड़ा झटका लगा है। दरअसल बीएमसी ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को यहां के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के आयोजन की अनुमति ही नहीं दी है। बीएमसी के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, पहले उद्धव ठाकरे के गुट और बाद में शिंदे गुट ने यहां पर बीएमसी से परमिशन मांगी थी, जिसको लेकर के बीएमसी ने साफ दोनों ही गुटों को इनकार कर दिया है। और बीएमसी का आदेश भी आ चुका है कि शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की मंजूरी नहीं दी जा सकती है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट बताते चलें, कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव राहुल गांधी को मनाने में जुटे हैं लगातार कई दिग्गज नेता। अशोक गहलोत आज केरल में मिलकर के करेंगे आखिरी कोशिश। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेसी नेताओं के बीच में सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। अभी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर और कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत का नाम लगातार सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक इसको लेकर के कुछ फाइनल नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर कई दिग्गज कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए मना रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ एक मुस्कान के साथ इसे लगातार टाल रहे हैं। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहुल गांधी से मिलने के लिए केरल के कोच्चि व एर्नाकुलम जा रहे हैं। वहां वो आखिरी बार राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने के लिए अपनी बात रखेंगे और उनको मनाएंगे। और अगर राहुल गांधी नहीं मानते हैं तो फिर यहां पर अशोक गहलोत का कहना है कि आलाकमान का जो भी आदेश होगा वह मानने के लिए तैयार हैं, यानी कि वह अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। उद्धव ठाकरे की बीजेपी को खुली चुनौती, कहा हिम्मत है तो एक महीने में बीएमसी का चुनाव करवाएं अमित शाह। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में शिवसैनिकों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह शिवसेना को जमीन दिखाने की बात करते हैं, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र की हकीकत के बारे में अभी कुछ पता ही नहीं है। ठाकरे ने अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो एक महीने के अंदर बीएमसी का चुनाव करवा करके दिखाएं। ठाकरे ने कहा है कि आज की भीड़ शिवाजी पार्क पर होने वाली दशहरा रैली का ट्रेलर है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, बीएमसी ने उद्धव ठाकरे के गुट और शिंदे गुट दोनों गुटों को यहां पर शिवाजी पार्क में रैली करने की अनुमति नहीं दी है, जिसके कारण यहां पर अब उद्धव ठाकरे का गुट बॉम्बे हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के पहुंच गया है। ये यहां पर इस समय की आज की दोस्तों सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।